हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ बोल। ग्राउंड फ्लोर पे जागरण है, बिल्डिंग में घुसना आसान होगा। जागरण के शोर में आज ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। काम हो जाएगा। रोमा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। रोमा ऐसा मत कर। रोमा, रोमा रुक जा। ऐसा मत करो बेटा, प्लीज। रोमा रुक जा। रोमा रुको। रोमा, रोमा ना। रोमा, 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 रोमा। ये क्या किया तूने? रोमा, रोमा, रोमा। बोल कुछ। ये क्या किया तूने? रोमा, रोमा, रोमा बेटा। रोमा बेटा, अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। रोमा, कोई एम्बुलेंस को फोन करो। जल्दी करो जल्दी। रोमा, रोमा। हेलो, एक तरफ हत्या की साजिश और दूसरी तरफ आत्महत्या का मंजर, और इन दोनों का संबंध मुंबई मलाड में रहने वाले भाटिया परिवार से था। आखिर कौन था वो किलर और किसने उसे हत्या के इरादे से यहां भेजा था? हत्या का टारगेट क्या भाटिया परिवार का कोई एक सदस्य था, या फिर पूरा परिवार ही निशाने पर था? ये सारे सवाल मौजूदा हालात में अभी उठे ही नहीं थे, क्योंकि साजिश अधूरी रह गई थी। हत्या करने आया शख्स सबकी नजरें चुरा कर भाग चुका था, लेकिन आत्महत्या का हादसा सबकी आंखों के सामने था, और वो आंखें इस बदहवासी से हैरान भी थीं और नम भी। बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं मानता हूं बेटा कि मैंने अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद सबको ये खबर सुनाने वाला था कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन तूने मौका ही नहीं दिया। बेटा, मैं सच कह रहा हूं। हाँ राधा, अब हमारी बेटी जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सकती है, महंगे से महंगा कोर्स कर सकती है। बेटा, घबराओ मत। हमें बताओ तुम्हें किसने सुसाइड के लिए उकसाया? सर, मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। मेरा पैर फिसल गया था।
सर लड़की झूठ बोल रही है। मैंने सोसाइटी वालों का बयान लिया है, उसका भाई और उसके माँ बाप उसे रोक रहे थे, फिर भी वो छत से कूद गई। करने आई थी पर मैंने बोल दिया कि वो एक्सीडेंट ही था। पर हुआ क्या है जो रोमा? बच्चे अक्सर अपने जिद में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। वीरेन इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं जरूर रुकता था, लेकिन तुम मजा कर यार जलसा करने पाए, थोड़े दिन के लिए फैमिली वालों को बाहर घुमा के ला, बिजनेस मैं संभालू, मैं चलता हूँ। स्कोर बोल भाई क्या हुआ? अरे वेदर कैसा माहौल में, बारिश का चांस है? मिस्टर भाटिया जी, प्रताप सरदेसाई ने भेजा है मिस्टर एंड मिसेस भाटिया के लिए। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। अटेंशन अटेंशन, अपने पेरेंट्स की 25th मैरिज एनिवर्सरी के ओकेजन पे मैं और रोमा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रोमा। पापा, मम्मी, हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आप दोनों का दिल बहुत दुखाया। पापा, I'm proud of you. हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी, मेरे पापा ने बॉलीवुड में भी अपना लक आजमाया है। ये एक्टर बनना चाहते थे, बल्कि इन्होंने तो एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी खुद को लॉन्च करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। पर आज इस मौके पे हमें इनके हुनर का जलवा देखने को मिलेगा, है ना पापा? नहीं बेटा, कम ऑन, एक डायलॉग प्लीज, कम ऑन। अच्छा ठीक है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में है। कौन कब कहां कैसे उठेगा ये हम सब में से कोई नहीं बता सकता। मेरा गिफ्ट छुपा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो मैं दरअसल तुम्हारा गिफ्ट लेने ही जा रहा था, वो कमबख्त डिलीवरी बॉय आया नहीं अब तक, मैं बस गया और आधे घंटे में वापस आया। कबाड़ खुली ही छोड़ जाते हैं। पचास हजार। ये क्या कर रहे हो तुम? फोन भी बंद आ रहा है, आपने उनको जाने ही क्यों दिया? किसने फोन किया था? सर मैंने किया था, मेरा नाम किशोर है, बस यहाँ ही जा रहा था, लाश और गाड़ी को देखा तो मैंने आपको फोन किया। पटेल गाड़ी चेक करो सर। ये क्या कर रही हो तुम? चोरी कर रही हो। अरे पर क्यों कर रही हो ये सब? तो आपको क्या लगता है ये पैसा कब तक टिका रहेगा? देखना, धीरे धीरे करके ना पापा इसे भी खत्म कर देंगे, और फिर बाद में कहेंगे बेटा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लो,
मेरे तो पैसे ही खत्म हो गए। तुम अपने पापा के बारे में हमेशा इतनी उल्टी सीधी सोच क्यों रखती हो? क्योंकि मम्मा कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। जबान संभाल के बात करो रोमा, तेरे पापा हैं वो। पागल थी मैं जो उनके बातों में आ गई। आज जिस तरह से पैसे लेके निकले हैं ना, मुझे नहीं लगता उनसे कोई उम्मीद भी लगाई जा सकती है। रोमा, पापा मम्मी के लिए गिफ्ट लेने गए हैं। फोन बंद करके आसमान में उड़ गए। नहीं नहीं, चांद तारे तोड़ के लाएंगे। तू ज्यादा बोल। ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे वीरेन के बारे में कुछ बात करनी है। पार्टी छोड़ के गिफ्ट लेने चले गए, पार्टी से पहले याद नहीं आया? जी वो डिलीवरी बॉय आने वाला था, वो नहीं आया तो इसलिए। कहाँ जाने का बोल के निकला था? सर कुछ भी नहीं बताया। बिजनेस क्या है उनका? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, गांव में ऑफिस है हमारा। उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अनबन, कुछ छुपाइए मत हमसे। पापा की उनके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी। नाम क्या है बिजनेस पार्टनर का? प्रफुल ठक्कर। अनबन की वजह? पापा पिछले 4 साल से उनके साथ बिजनेस कर रहे थे। पापा को ऐसा लगता था कि वो पैसों का गबन करके अकाउंट्स में झूठी एंट्री डालते हैं। वीरेन भाटिया की हत्या करने वाला किलर वही था जो पहले भी हत्या के इरादे से भाटिया परिवार के फ्लैट में घुसने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वीरेन खुद उसके पास क्यों गया था? इन सवालों में साजिशों के ऐसे चक्रव्यूह छिपे थे जो बहुत जल्द पुलिस के सामने आने वाले थे, और वीरेन की जिंदगी के वो राज भी जो बेहद चौंकाने वाले रहस्यों से भरे थे। हेलो वीरेन भाटिया, आप बोल कौन रहे हैं? वीरेन भाटिया का यार बोल रहा हूँ, और उसको बोलना कि फोन बंद करके रखने से कोई फायदा नहीं होगा, घर का पता भी अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बोल कौन रहे हैं? 10 लाख रुपया लेना है मुझे उससे। आप अपनी फर्म का नाम बताइए, मैं अकाउंट चेक करके। ए, हमारे धंधे में अकाउंट वकाउंट कुछ नहीं होता, फोन दे उसको। उसका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। अब दे वीरेन भाटिया को फोन। पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पाटिल, मुझे इस वीरेन भाटिया के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स और बिजनेस अकाउंट्स के सारे डिटेल्स चाहिए, और अपने खबरियों से बोलो कि इसके बिजनेस पार्टनर प्रफुल ठक्कर पे नजर रखे। सर, अरे भैया, हियर वी गो, लास्ट ओवर, हिट टू वाइड, दैट्स 4 ऑफ देम, वन बाउंस, दैट्स द स्टार्ट यू नीड व्हेन यू ट्राई टू गेट 17, एंड डोंट फॉरगेट युवराज, ही इज टेकिंग स्टुअर्ट ब्रॉड फॉर 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन अ टी20 गेम एज़ वेल, सो ही कैन हिट 2. Perfect start for India. Hello. वीरेन भाटिया का राम नाम सत्य हो गया है क्या? कौन? तेरा बाप। सुलेमान भाई। वीरेन भाटिया का गारंटर तू है ना? पता कर वो वाकई मर गया है कि नहीं, और अगर वो सच में मर गया है तो मेरे 10 सीताफल तू चुकाएगा। सर ये प्रफुल ठक्कर 4 साल पहले वीरेन को गारमेंट बिजनेस में लेके आया। इससे पहले वीरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। मैंने वेरीफाई किया सर, दोनों के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुनाफा बहुत कम था। हो सकता है वीरेन के बेटे का शक सही हो, प्रफुल वीरेन को चुना लगाता हो। लेकिन सर ये वीरेन भी कोई दूध का धुला नहीं था। ये देखिए कॉल रिकॉर्ड्स, पिछले कई महीनों में वीरेन के नंबर पे जो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स हुए हैं उनमें से ज्यादातर नंबर्स बंद हैं। मर्डर के पहले के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर मर्डर से पहले रात को 9 बजे बैंड्रा के एक पीसीओ से फोन आया था, और 2 घंटे पहले एक नंबर से और कॉल हुआ था जो किसी प्रताप सरदेसाई के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ये प्रताप सरदेसाई और वीरेन भाटिया की रोज बातचीत होती थी। कहाँ रहता है ये प्रताप सरदेसाई? अंधेरी लोकन वाला। सर मूव। जी मैं और वीरेन कॉलेज के टाइम के दोस्त थे, लेकिन आप लोगों की आने की वजह? आपको नहीं पता कि शनिवार की रात को वीरेन भाटिया का मर्डर हो गया? क्या? ये कैसे हो सकता है? शनिवार को आपकी वीरेन के साथ क्या बात हुई थी? शनिवार को तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसने मुझे इनवाइट किया था, मैं बिजी था तो मैं जा नहीं पाया। आखिरी बार कब मिले थे उससे? वही मैरिज एनिवर्सरी के 1 हफ्ते पहले। किस सिलसिले में?
सब उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। आपके दोस्त वीरेन के कौन कौन दुश्मन बन गए थे आप कुछ बता सकते हैं? अब मैं क्या बोलूं साहब, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। जब समझ में आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। प्रफुल ठक्कर के साथ साथ इस पे भी नजर रखो। हेलो सुलेमान भाई, मैं वीरेन के घर पर ही हूँ। उनके घर वालों से मिला लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। दो दिन है तेरे पास। सर शनिवार को प्रफुल अपने मराठ वाले फ्लैट में था। उसकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में वो रात के 9 बजे घर में गया और सुबह बाहर निकला। और प्रताप सरदेसाई भी अपने अंधेरी वाले ऑफिस में था सर। पाटिल, ये मर्डर सुपारी देके करवाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि बैंड्रा के उस पीसीओ से वीरेन को आर ए रोड बुलाने के लिए फोन किया गया था। उससे पहले भी वीरेन को वहां से कई कॉल्स जा चुके हैं। अब हमें पता ये लगाना है कि बैंड्रा के उस पीसीओ से वीरेन को कौन फोन करता था। सर राजू खबरी से पता चला कि वीरेन भाटिया बांद्रा के एक बार में अक्सर जाया करता था। चलो सुनो, इसको पहचानते हो? ये तो रेगुलर कस्टमर है, समझ लो इसका अड्डा ही है। कौन कौन बैठता है इसके साथ? वैसे तो उसके बहुत सारे यार दोस्त आते हैं। ये दोनों आते हैं? हाँ सब ये दोनों आते थे, लेकिन एक बार इस आदमी के साथ बीरेन सेठ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अरे तू खुद को क्या समझता है? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। करोड़ों के डील, लाखों के लेन देन, सेठ लोग थे साहब। प्रताप सरदेसाई वीरेन भाटिया के घर से एक ब्रीफकेस लेके निकला है और अपनी गाड़ी यहीं छोड़कर एक ऑटो पकड़ रहा है। क्या बात है साहब? अरे बताइए तो क्या बात है? अरे साहब साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी किलर को पैसे देने नहीं गया था वहां पे, मैं तो थाने स्टेशन जा रहा था। अपनी गाड़ी छोड़ के ऑटो से? मैं नासिक जा रहा था, 4 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मैंने गाड़ी वहां पे छोड़ दी। वीरेन के मर्डर में तेरा क्या हाथ है? सर मैं उसे क्यों मारूंगा, वो तो मेरा दोस्त था। दोस्त जब कर्जदार हो जाए और पैसे चुकाने का नाम ना ले रहा हो? आप लोग गलत समझ रहे हो। तेरा वीरेन से झगड़ा नहीं हुआ था? सितारा बार, बैंड्रा, कुछ याद आ रहा है? वो तो साहब ऐसे ही क्या? किससे मरवाया वीरेन को? मैंने नहीं मरवाया उसे, उसने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़े मार ली थी। साफ साफ बोला यार, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं। उम्र भर खाक छानता रहा लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। धंधे बदलने के बजाय
खुद की आदतें बदली होती तो कुछ हाथ लगता। मेरे बीवी बच्चे क्या कम है मुझे कोसने के लिए, जो तू भी कोसने लगा। जब कोई तुझे समझाने जाता है ना, तुझे ऐसा लगता है सारे तुझे कोसते हैं। हाँ मैं ऐसा ही हूँ भाई, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं बस दो ही दिनों का मेहमान हूँ। अबे चढ़ गई क्या तुझे? मैं सही कह रहा हूँ, मैंने खुद को मरवाने के लिए सुपारी दी है। सर पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वो सच बोल रहा था सर। खुद को मरवाने की लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी उसने। मैंने तेरे 20 पेटी देने और बैटिंग वालों के 10 पेटी, मेरा 50 लाख का इंश्योरेंस है। मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरे परिवार वालों को मिलेंगे और सारा कर चुकाने के बाद 20 पेटी उनके पास बचेंगे। अरे बकवास बंद कर यार, पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं उस किलर को एडवांस पैसे भिजवा चुका हूँ। अरे तू खुद को क्या समझता है? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? बैठ तो भाई। छोड़ यार, तेरे जैसों के साथ दोस्ती नहीं रखनी मुझे, बाहर में जा साले। सर मुझे लगा वो मुझसे और पैसे उधार मांगने के लिए नाटक कर रहा है, इमोशनल फूल बना रहा है मुझे। लेकिन सर आपने जब बताया कि उसको मर्डर हो गया तो यकीन हो गया। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? उसके मर्डर के बारे में सुन के तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने आज भाभी जी को बताया इस बारे में तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है भाई साहब? अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो 20 लाख रुपए लेकर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें मोटा मुनाफा हुआ है। ऐसे में वो आदमी खुद अपने लिए, नहीं नहीं मेरा मन नहीं मानता इस बात को। उन पैसों में से भाभी जी ने मुझे आज 5 लाख रुपए दिए। सब में मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की, जोर दिया तो ले लिया साहब। और मुझे ये भी बोला कि धीरे धीरे वो बाकी के पैसे भी दे देगी। प्रताप जी ने मुझे सबके बारे में बताया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो भला खुद को क्यों मरवाएंगे? आपको क्या लगता है कि प्रताप ने वीरेन की सुपारी दी और अब कहानी बना रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। राधा जी सच तो ये भी है कि वीरेन की मौत के बाद इंश्योरेंस का 50 लाख रुपया तो आप ही को मिलना था। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके पति को कौन और किस मकसद से मरवा सकता? वो दुनिया का कर्जदार था, तो क्या उसकी हत्या उसके लेनदारों ने की या उसकी मौत से फायदा उठाने वालों ने? वीरेन की जिंदगी के उलट फेरों की वजह से हम सबने बहुत कुछ सहा। वीरेन जिंदगी में बहुत बड़ा सोचता था, बहुत बड़े बड़े सपने देखता था, इज्जत नाम शोहरत पैसा सब कुछ कमाना चाहता था। अब ये फिल्में बनाने का नया भूत कहां से सवार हो गया? ये बाप दादा की जमीन का पैसा अब क्या फिल्में बना के डुबाना है? मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है, और एक जोशी ने कहा भी है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। जिंदगी बदली नहीं बल्कि और ज्यादा नुकसान हो गया। फिल्म के घाटे के बाद रियल एस्टेट में भी किस्मत आजमाई। ये बड़े बड़े प्लान बनाना आप छोड़ दो, जिन कामों में छोटे मोटे कमीशन मिल जाते हैं उनमें क्यों नहीं संतोष कर लेते? उस छोटे मोटे कमीशन से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। देखना एक दिन मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर बनूंगा मैं। जमीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और बिल्डिंग खड़ी करने के सपने देखते हैं। तुम चिंता मत करो, हमारे भी सितारे बदलेंगे, समझी? पैसा दोगुना चौगुना करने की लालच में बची कुछ ही रकम भी स्टॉक मार्केट में डुबो दी, फिर अकल आई तो पिछले 4 साल से गारमेंट के बिजनेस में टिके। जिंदगी में पहली बार 20 लाख का मुनाफा हुआ। 20 लाख का मुनाफा ऐसे तो नहीं हो जाता, कभी पूछा नहीं आपने कि इतना पैसा कहां से आया? सट्टेबाजी से, क्रिकेट के बैटिंग में पैसे लगाता था वो, कभी बताया नहीं उसने? मुझे शक था कि पापा प्रफुल्ल भाई के साथ सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, लेकिन हाँ सर जिस रात पापा का मर्डर हुआ उसी रात घर के लैंडलाइन पे एक कॉल आया था। वो कह रहा था कि पापा को उसके 10 लाख रुपए दे रहे हैं। हो सकता है सर ये बैटिंग का ही पैसा हो। नाम क्या बताया उसने? सर उसने नाम नहीं बताया। रोमा जी आपको भी कोई ऐसी कॉल आई है कभी? जी नहीं सर। वैसे वो छत से पैर फिसल गया था या सुसाइड था? सर मैंने आपको बताया था ना, मेरा बस पैर फिसल गया था। सिर्फ रोमा का सुसाइड नहीं, वीरेन के घर वाले हमसे काफी कुछ छुपा रहे हैं। कहीं उन्होंने तो वीरेन को मारने की सुपारी नहीं दी, क्योंकि वीरेन की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही हुआ है, और ये प्रताप सरदेसाई भी उनसे मिला हुआ हो सकता है। सर ये 20 लाख का मुनाफा और ये 10 लाख के कर्ज का चक्कर इनकी कहानी हो सकती है।
या हो सकता है कि इसका वीरेन की बैटिंग से कोई सीधा सीधा कनेक्शन हो। ये बात तो पक्की है कि वीरेन बैंड्रा के बार में बैठ के सट्टा लगाता था। पाटिल अब इसका पता तो प्रफुल से चलेगा, सस्पेक्ट तो वो भी है। अब बुलाओ उसे, बहुत खुला छोड़ दिया। सर प्रफुल आया। बोलो साथ। साथ मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में, मैंने बचा ही ना साहब। शांति रख, शांति रख। चल बोल बात क्या। सब ये वीरेन के चक्कर में मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। उसके 10 लाख चुकाने के लिए मुझे धमकियां मिल रही साहब। 10 लाख या 10 सीताफल, सट्टे की हार का पैसा है ना ये। हाँ साहब, वो वीरेन सट्टा लगाता था। वो वीरेन सट्टा लगाता था और तू उसको बट्टा लगाता था। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बहुत चूना लगाया ना कंपनी का पैसा गबन करके वीरेन को। ये झूठ है, कंपनी का पैसा तो वीरेन गबन कर रहा था। मैं तो पछता रहा आज उसके साथ पार्टनरशिप करके। तेरी सारी हिस्ट्री है हमारे पास, तूने उसे सट्टेबाजी में घुसाया। मुझे पता नहीं था कि सट्टे में पैसा लगाने के लिए वो कंपनी का पैसा उड़ा के मुझ पे चूना लगाएगा। मरे को कोई भी झूठा बोलता है। साहब उसके मरने के बाद मेरी तो वाट लग गई है। उसकी हार के 10 सीताफल नहीं चुकाए ना, मेरा भी मर्डर हो सकता है साहब। ये कौन है जो सीताफल मांग मांग के तुझे मिर्ची लगा रहा है? सुलेमान भाई। वीरेन को किसने मरवाया? हो सकता है कि उसके पैसे ना देने पे सुलेमान भाई ने मरवा दिया हो और अब वो मेरे पीछे पड़ा है। सब बचा लो। कहां मिलेगा तुम्हारे ये सुलेमान भाई? क्या है ये? किसने दिया? इन्होंने दिया। अरे सुनो तो, वीरेन का बेटा होने के नाते तुझे उसके 10 लाख चुकाने हैं। अगर नहीं चुकाया तो बाप की तरह मारा जाएगा। अमिताभ बच्चन, याद आया? फिर से फोन करूंगा। इस अमिताभ बच्चन का फोन आया तो उसको बोल देना तुम पैसे दोगे। बट सर, बीच में मत बोलो और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। उसी का कॉल है सर। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? लेकिन कॉल ट्रेस नहीं हो पा रहा है। फोन इतनी जल्दी काट दिया कि लोकेशन का पता ही नहीं चला। सुलेमान के बारे में कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो सिर्फ लेन देन का काम करता हूँ राजन भाई के कहने से। ये राजन भाई कौन है? मैं नहीं जानता साहब, उसे कोई भी काम होता वो मेरा खोली पे आ जाता था साहब। वीरेन के मर्डर में सुलेमान या राजन का क्या हाथ है? साहब मुझे नहीं पता साहब। अब तू बोलेगा तू वीरेन को भी नहीं जानता? मैं वीरेन को मिलता था साहब, उससे बैटिंग का पैसा लेके चले जाता था साहब। लास्ट टाइम उसे पैसा देने गया था, वो 20 लाख रुपये जीता था साहब। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जितना पीना चाहते हो पियो। आज शाम तक तो मैं अपने आप को मरवाना चाहता था। मतलब? मैंने खुद को मरवाने की सुपारी दी थी। सर अगर वीरेन के खुद की सुपारी देने की बात सच है तो यह भी सही होगा कि बैटिंग में 20 लाख जीतने के बाद उसने अपनी सुपारी कैंसिल की होगी। तो फिर वीरेन को मरवाया किसने? पाटिल ये सुलेमान या ये जो कोई भी है, ये जब तक हमारे हाथ नहीं लगता ना तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है।
एक काम करो, वीरेन की फैमिली का फोन सर्वेलेंस पे डालो। मुझे पूरा भरोसा है कि अपने 10 लाख वसूल करने के लिए वो किसी न किसी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा। मम्मी, मुझे एडमिशन मिल गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो खुश है ना? मम्मी मैं बहुत 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 खुश हूँ। माँ, अब सबसे पहले प्रफुल्ल के साथ पार्टनरशिप खत्म करनी है। थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है कि वो। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? पापा का कर्जदार मारने की धमकी दे रहा है। हाँ, मैं पुलिस को जाके सब बताता हूँ। अरे नहीं बेटा, पुलिस को बताने से क्या होगा, हम एक काम करते हैं, उसके पैसे दे देते हैं और ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। सर, हृदय के मोबाइल पर अभी वेंट्रा के उसी बार के पास से फोन आया था जहाँ पे वीरेन जाया करता था। पटेल, इमीडिएटली सर्च टीम भेजो, हो सकता है ये सुलेमान उर्फ राजन उर्फ अमिताभ बच्चन वही हूँ। सर, ये ले, संभाल के जाना। हाँ, हृदय के जो कॉल ट्रेस की थी कि उसकी रिकॉर्डिंग। हेलो, 9 बजे तक पहुंच जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मतलब हृदय का फोन सर्वेलेंस पर डालने से पहले उसको कॉल आ गई थी। अभी उसके फोन की लोकेशन क्या है? सर, ये तो घर पे बता रहा है पर 9 तो बजने वाले हैं। वीरेन की तरह न जाने कितनों को सट्टे के सब्ज बाग दिखाने वाले सट्टेबाजी के सरगना फिलहाल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वीरेन की जिंदगी के खुलासे वीरेन की राह पर चलने वालों की आंखें भी खोलने वाले थे, क्योंकि वीरेन और उसके परिवार की तबाही में सट्टेबाजी का बहुत बड़ा हाथ था। एक पल में 4 गुना 10 गुना कमा लेने की मृग तृष्णा किसी भी नशे की लत जितनी ही घातक होती है, और वीरेन की हत्या उसकी इन्हीं आदतों का परिणाम थी। लेकिन वीरेन की हत्या क्यों और किन हालात में करवाई गई, वो राज इस केस का दुखान था जिसकी व्यथा बहुत जल्द सामने आने वाली थी। सुलेमान, बैटिंग करता साले। सर, वीरेन को क्यों मरवाया? सर, मैं मानता हूं कि मैं बैटिंग करता हूं, लेकिन मैं कोई किलर नहीं हूं सर। तूने खुद नहीं मारा होगा तो किसी से मरवाया होगा। सर, इसी तरह अगर हम अपने कस्टमर को मरवाते रहे ना तो हमारे साथ बैटिंग कौन खेलेगा? हम लोग धमकी जरूर देते बड़ी बड़ी ताकि कोई भी कस्टमर हमारा पैसा ना खा सके और हमारे बारे में गलत भी ना सोचे। बस, और जब कोई पैसे दे ही ना तो? सर, मैं अच्छी तरह से जानता था कि वीरेन की हैसियत नहीं है मेरे 10 लाख रुपए लौटाने की, इसीलिए मैंने प्रफुल्ल के जरिए उसे टिप दिलवाई और किस पे सट्टा लगाना है ये बतवाया, और जो 20 लाख रुपए है ना सर, वो मैंने ही उसे जितवाए थे ताकि उसमें से 10 लाख रुपए जो मेरे थे मैं वो वसूल कर सकूं और उसकी उम्मीद को जिंदा रखूं ताकि वो खेलना बंद ना करे। बस इतना करके भी उसने तुम्हारे 10 लाख तो वापस दिए नहीं। आप गलत सोच रहे हैं सर,
ना ही मैंने वीरेन को मरवाया है और ना ही मैंने उसे मारा है। वो क्यों मरा, कैसे मरा, किसने मरवाया, मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, उसके मरने के बाद मैंने उसके बेटे और प्रफुल्ल को फोन जरूर किया ताकि अपने 10 लाख रुपए वसूल कर सकूं, लेकिन जब से आपने मेरे आदमी को पकड़ा मैं वो 10 लाख भी भूल चुका था सर। लेकिन वो 10 लाख तो तूने लिए वीरेन के बेटे से। मैंने नहीं सर, सर मार क्यों रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। मंगलवार को बांद्रा के सितारा बार से तूने वीरेन के बेटे को फोन किया। ना ही मैंने किसी से पैसे लिए हैं और ना ही मैंने किसी को फोन किया है सर, प्लीज बिलीव मी। सर वो आवाज पहले जैसी ही थी। हृदय, हमने वो कॉल ट्रेस की थी, वो आवाज सुलेमान की नहीं थी। मुझे नहीं पता सुलेमान कौन है, पर उसी आवाज से मुझे धमकी भरे कॉल्स आए थे। तो इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो मैंने मना किया था, मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ और 10 लाख के लिए मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पाटिल, ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। क्यों ना भाटिया परिवार का झूठ पकड़ने के लिए हम रोमा के सुसाइड वाले हादसे से शुरुआत करें। सबसे पहले हमें फोन किसने किया था? एक लेडी है सर, यही रहती है ग्राउंड फ्लोर पे। सर ये रहा, चलो। जी आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए साहब, हमने कुछ नहीं किया, वो रोमा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसके घर वालों ने कहा था कि पुलिस को कुछ नहीं बताना, इसलिए मैंने उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सारा डिटेल में आप हमें बताइए। उस रात मेरे घर में माता रानी का जागरण था। आप उस रात के प्रोग्राम का, आपके हैंडीकैम का रिकॉर्डिंग हमें दिखाएंगे? जी। ये तो जगताप है, हिस्ट्री शीटर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कहाँ मिलेगा ये जगताप? पास के ही चौल में रहता है सर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे कहाँ ले चल रहे? सुपारी दिया था। अच्छा, मैं तुझे मार दूं तो मेरे को पैसा देगा? बोलो कितना लोगे? 2 लाख। ये 50,000 है। 2 दिन बाद तो मुझे जहां मारना चाहोगे मैं आ जाऊंगा 1.5 लाख लेकर। अगले दिन उसने सुपारी कैंसिल कर दिया साहब। फिर भी तूने उसे टपका दिया? क्योंकि उसके मना करने के बाद भी अब उनको उसी के मारने की सुपारी मिली थी। किसने दी थी सुपारी? आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली, मैं अपने पापा को क्यों मरवाऊंगा? उस दिन अपना फोन घर पे छोड़ के तू तेरे बाप के बेटिंग का 10 लाख रुपया नहीं बल्कि तेरे बाप की सुपारी का 5 लाख रुपया देने गया था जगताप को। मैंने सुपारी दी थी जगताप को, मैंने मरवाया अपने बाप को। तेरी माँ और बहन भी शामिल है ना इसमें, 50 लाख का इंतजार कर रहे हैं सबके सब। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, ये काम सिर्फ मैंने किया अकेले।
हमारा जीना आराम कर दिया था उसने। शराब, बेटिंग, हमारी बिल्कुल परवाह नहीं थी उसको। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता था। अगर मैं उसको नहीं मरवाता ना तो वो दिन दूर नहीं था जब मैं माँ और रोमा सड़क पे होते। ये प्लान कब बनाया तूने? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन एक दिन मुझे पता लगा कि मेरे बाप ने खुद को मरवाने की सुपारी दी थी। बस उसी दिन उसे मैंने मरवाने का सोचा। जगताप, मुझे अब मरना नहीं है, सुपारी कैंसिल। और हाँ, वो जो एडवांस मैंने तुझे दिया था वो तो रख, लेकिन आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैंने उसके मोबाइल से ही जगताप का नंबर लिया और जगताप को अपने बाप को मारने की सुपारी दे डाली। ग्राउंड फ्लोर पे जागरण है, बिल्डिंग में घुसना आसान होगा। जागरण के शोर में आज रात ही काम हो जाना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। काम हो जाएगा, पर उस दिन रोमा के सुसाइड अटेम्प्ट के कारण वो काम उस दिन नहीं हो पाया। पर मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन मैंने जगताप को पापा को फोन करने को बोला था। तू तो अब मरना नहीं चाहता है, लेकिन अगर तूने मुझे 50,000 रुपए और नहीं दिए तो मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। जान बचाना चाहता है तो आरे रोड मिल 50,000 के साथ। पूरे 50,000। उस दिन जब सुलेमान का धमकी का फोन आया मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के मर्डर का शक इसी पे डाल दूं। और उस दिन जगताप को पापा के मर्डर की सुपारी के पैसे देने के लिए मैंने उससे कहा कि मुझे उसी बांद्रा के बार के पास से फोन करें जहां बैठकर पापा बैटिंग किया करते थे। इस काम के मैंने उसे 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। माना कि तेरे बाप की आदतें खराब थी, लेकिन उसको मारने की बजाय अगर तू उसको सुधारने की कोशिश करता ना तो आज तेरा बाप जिंदा होता, अपने परिवार के साथ होता। क्राइम का मोटिव चाहे कुछ भी हो, क्राइम क्राइम होता है एंड क्राइम नेवर पेस। वीरेन पैसा कमाने के लिए जो हथकंडे अपना रहा था वो इंसान को सिर्फ तबाही की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब अपने भटक जाएं तो उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश अपने ही कर सकते हैं। अपनी कोशिशों से निराश होकर अगर अपने ही अपनों का खून बहाने लगे तो फिर ना रिश्ते बचे रहेंगे और ना ही इंसानियत। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।